हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मिसंकर ब्लॉग्स। सो आज हम लोग जा रहे हैं इंदु के स्कूल, इंदु को स्कूल ज्वाइन कराने के लिए, क्योंकि हम लोग आए थे लेकिन इंदु को छुट अपनी लीव्स एक्सटेंड करनी पड़ी क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। जिस दिन आए थे उस दिन तो सही था, उसका मूड भी ठीक था, वो भी ठीक था, लेकिन नेक्स्ट डे वो पता नहीं परेशान हो रहा है, वो रो रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है, उसको कोई ना कोई चाहिए। अब मेरा भी वीकडे चल रहे थे तो मेरा भी वर्क चल रहा था तो मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। आज है सैटरडे और मेरा सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो आज मैं खुद इंदु को स्कूल लेके जा रहा हूँ और अभी मैं बना रहा हूँ फिलहाल ब्रेकफास्ट पीनट बटर सैंडविच और इंदु कर रही है शिप को तैयार। जैसे शिप तैयार हो जाता है तो हम लोग निकलते हैं स्कूल के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है कि यहाँ पर क्या है, मौसम बहुत ठंडा है तो उसको बाहर लेके जा नहीं सकते। घर पर उसकी आदत हो गई कि वो बाहर ज़्यादा घूमता रहता है, चाचा के साथ या भाई के साथ या फिर मम्मी पापा के साथ कोई ना कोई उसको बाहर ले जाता है। सब लोग, घर भी काफ़ी बड़ा तो वो घूमता रहता है, उसका टाइम पास होता रहता है। यहाँ पे उसको दिक्कत हो रही है, यहाँ पे ना वो बाहर जा पा रहा है, एक ही कमरा है यहाँ पे, मकान काफ़ी बड़ा है लेकिन ठंडे की वजह से मैं उसको बाहर नहीं लेके जा रहा हूँ। उसको ऑलरेडी हल्की सी खांसी हो चुकी है, उसको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा उसका, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। एक दो दिन तो हो चुके हैं, शायद आज कल मैं वो एडजस्ट कर लें क्योंकि आज सैटरडे तो आज मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो हम लोग आ जाएंगे फिर वहाँ से लौट के। फिर कल संडे, कल भी इंदु का ऑफ रहे, कल इंदु का ऑफ रहेगा आराम से, हो सकता है अगर उसका कल तक मतलब एडजस्टमेंट हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना फिर बहुत दिक्कत होने वाली है मुझे लग रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस शंकर। ये देखिए हम लोग, आपको पता ही, रवि ने आपको बताया होगा कि हम लोग मेरे स्कूल जा रहे हैं रवि मुझे आज छोड़ने के लिए। दो दिन तक हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और शिव ने इतना परेशान कर दिया। हमने सोचा था एक ब्लॉग शूट करेंगे लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। नई जगह है इसलिए उसको शायद बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अभी तक हमें कभी फील ही नहीं हुआ था कि बेबी भी है घर पे, पता ही नहीं चलता था घर पे सबके साथ। अब पता चल रहा है कि ओहो, अब लग रहा है जैसे हाँ अब बेबी हुआ है। बहुत परेशान कर रहा है, बिल्कुल अपने पास से उठने नहीं दे रहा। जिस दिन आया पहले रवि ने इसका झूला टांगा तब जाके उसमें सोया और बस अब निकल रहे हैं स्कूल के लिए। अभी गाड़ी में बैठते ये सो गया, जैसे इसने बाहर देखा ये थोड़ा खुश हो गया था बाहर निकलने में, और अभी गाड़ी में बैठते ही सो गया था। देखिए अभी उठ गया एकदम, ये बहुत परेशान कर रहा है शिव। इतना परेशान तो कभी करता ही नहीं था, ये कभी किया ही नहीं इसने जब से ये हुआ है। 5 महीने का होने वाला है कि अभी तक नहीं किया, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कि जैसे कि नया कुछ शुरू हुआ है, ये बहुत परेशान कर रहा है। चले फिर, हाँ तो चलो स्कूल चलते हैं। स्कूल चले हम, इसे मॉर्निंग मुझे हम लोग आए थे तो काफ़ी लेट हो गया था और इंदु को कुछ अर्जेंट काम था जिसकी वजह से जल्दी नहीं जाना पड़ा हमें और हम शूट नहीं कर पाए ब्लॉग के बारे में कुछ भी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं स्कूल से फ्री होके। इंदु का स्कूल बहुत ही डिफरेंट जगह पे, मतलब अगर आप पहाड़ों में स्कूल आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा स्कूल कैसे कैसे जगह पर होते हैं। यहाँ मतलब ऊपर गाड़ी खड़ी करके नीचे वॉक करके आना पड़ता है, लगभग 100 मीटर चढ़ के आना पड़ता है। अभी पीछे आप देख रहे होंगे, पीछे नीचे घाटी में जाके वो स्कूल है और ये पहाड़ का रास्ता जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। और रूम की जाके हालत दिखाऊंगा आज, रूम की हालत इतनी ख़राब हो रखी है क्योंकि दो दिन से शिव ने हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया कि हम कुछ करें, ना ही कोई सफाई हो पाई है, ना ही जो सामान लेकर आए थे वो लग पाया है, सारा सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी जाके देखते हैं, अभी तो भूख लगी है, ब्रेकफास्ट करके आए थे सुबह, कुछ खाया नहीं है अभी तक, अब जाके कुछ ना कुछ खाते हैं या फिर रास्ते में कहीं ना कहीं खाएँगे, देखते हैं।
तो हम लोग द्वारा वापस आ गए लेकिन बहुत लेट हो गया, 3 बज गए हैं। और रूम पे जाके कुछ बनाना पड़ता क्योंकि हम बना के कुछ गए नहीं थे, सुबह ब्रेकफास्ट करने गए थे। तो हमने सोचा कि चलो बाहर कुछ खा लेते हैं आज। तो हम द्वारा में कुछ छोटे छोटे रेस्टोरेंट टाइप के हैं, इसी में से एक रेस्टोरेंट में हम आए थे। बाहर गाड़ी खड़ी है हमारी दिख रही है साफ साफ। तो हम लोग यहाँ पर आए थे खाने के लिए। तो अभी नवरात्र चल रहे हैं तो सोचा कि क्या खाएं, तो आलू के पराठे ऑर्डर किए। अभी देखते हैं कैसे आते हैं आलू के पराठे, खाने में कैसे लगते हैं। बाकी यहाँ का पीछे का व्यू काफ़ी अच्छा, मेरी आंखें बंद हो रही हैं लाइट की, इसको मैं कट कर दूँगा। पर रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने, मतलब कलर वगैरह जो कलर, 3 कलर हैं जो उन्होंने जो पेंटिंग लगा रखी है काफ़ी अच्छी है। अभी देखते हैं आलू का पराठा कैसा आता है। शिप का डायपर पड़ चुका है तो शिप का डायपर चेंज कर रही है इन्होंने, क्योंकि वो रात वहाँ तो सो गया था जब हम स्कूल से निकले थे, लेकिन यहाँ पर जैसे हम आते थे तो वो उड़ गया है। अब ये दोनों बैठे हैं। शिप को रूम के अलावा हर जगह अच्छा लग रहा है, रूम के अलावा बस रूम ही अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर ही अंदर बहुत गंदा लग रहा है। अब ये यहाँ भी बहुत खुश है, जितनी भी इसको बाहर लेके जा रहे हैं, जितनी जगह भी बाहर दिखा रहे हैं उसको, सब अच्छी लग रही है। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। अभी देखते हैं फूड कैसा है। पराठा हमारा आ चुका है, देखने में तो काफ़ी यम्मी लग रहा है। अभी देखते हैं टेस्ट में कैसा है। पराठा जो है ये पराठा हमारा आ चुका है, काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी टेस्टी मुझे लगा नहीं था अच्छा होगा, पर अच्छा है। लेकिन मज़ा आ गया, रायता भी है साथ ही। पराठा चाय में, आलू का पराठा चाय में मंगाई है, शिव देख रहा है, शिव हमें कुछ करने नहीं दे रहा, लेकिन खाना खाने दे रहा आराम से। हाँ लेकिन खाना दे रहा, चाय बरा देख रहा है, जाती है स्वागत खाने पर, लेकिन पराठा का अच्छा मज़ा कुछ बनाने देता नहीं जाते उड़ गया उसको। क्या है ना, उसको हम दोनों में से कोई ना कोई उसके पास बैठा रहना चाहिए, और जाता तो मेरे साथ ही बैठता है। अब खाना कैसे बनता, हम सुबह से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अब स्कूल से लौट के आए तो खाना बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो मैंने रवि बोला, रवि अब जाके कैसे करेंगे, बनाएंगे बनाने में 1 घंटा लग जाएगा खाने के, शाम तक ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ पे पास में रूम के पास में एक मतलब ऐसे रेस्टोरेंट बने हुए, अच्छे हैं यहाँ के रेस्टोरेंट, ठीक है, और पहाड़ में ज़्यादा क्या मिलेगा, और टेस्टी है। बेटा जस्ट लुक एट द रूम, ये हमारे रूम की हालत है। जिस दिन से हम लोग आए हैं हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला। ये शिव का झूला रवि ने उस दिन ही टांगा था, यहाँ पे बिल्कुल रूम में बिल्कुल ऐसा कोई स्पेस नहीं था जहाँ पे झूला टांग सकते। तो रवि ने पंखा जैसे भी खोला, जैसे करके खुला, फिर इसका झूला टांगा ताकि ये झूले में अपने सो सके, वैसे सही से सोता नहीं है, झूले में इससे सो जाता। अब देखो अभी हम लोग रूम पर पहुँच ही रहे हैं, वैसे मैंने इसको लिटाया है और मैं आपको रूम दिखा रही हूँ कि हमारे रूम की क्या हालत हो रही है। हम लोग बिल्कुल, हमें इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा, खाना बनाने का भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ये शिव यहाँ कभी रो रहा है और परेशान कर रहा है, कभी ठीक है, कभी थोड़ी देर फिर रोने लग जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखा है हमारा रूम, बहुत ज़्यादा। अब ये देखो खेलने में लगा है, ये आज बहुत ज़्यादा खुश था और अभी ये लेते हैं भाई साहब। थोड़ी सी इसको खांसी भी हो गई है, बेटा को खांसी हो गई, गुड्डा को तुम वाइप पियोगे, चलो तुम्हें वाइप लाएंगे। हम मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। इसको देखती हूँ, इसको अभी हमें सुलाना है, इसको सुलाती हूँ, थोड़ी देर सोता है तो पहले तो उसको दूध पिलाना है। अब समझ में आ रहा है कि जब दो लोग वर्किंग होते हैं तो बेबी को संभालना कितना ज़्यादा टफ होता है, बट अभी तो हम लोग घर में ही हैं और क्या कहते हैं, फिर भी हमसे ये हमारा बच्चा जरा संभल नहीं पा रहा है, थोड़ा सा ये परेशान करने में लगा है। देखते हैं, अभी 2 ही दिन बीते हैं, 2 दिन में इसने किया, अभी आज तो खैर ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सफाई करने की कोशिश करती हूँ और रात के खाने की तैयारी कर लूँ अभी से, जब तक ये चुप है महाशय, बाकी हम देखते हैं बाद में। लुक एट दैम, दोनों के दोनों मजे से लेटे हैं और मुझे इतना सारा काम करना है। फिर रवि को मैं बोल रही थोड़ा सा काम करवा लो मेरे साथ, मगर ये बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, बोल रहे मैं गाड़ी चला चला के थक गया हूँ। और ये देखो शिव का, चलो कोई नहीं मैं खुद कर लेती हूँ।
तो अब मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। शिवराम से लेट गया है, देखते हैं जब तक भी ये लेटता है तब तक मैं अपना काम करती हूँ। रवि भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। सो अब मैं देखती हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ। वैसे तो इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, फिर भी देखते हैं स्टार्ट करती हूँ। सो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, एंड डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय, टेक केयर।